subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप देख रहे हैं आयसन 7 न्यूज़, मैं हूं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के सभी भट्टों पे जाके जो डीएम सर का आदेश आया है कि सभी भट्टा मालिक जो है अपने मजदूरों को मास्क बांटें, सैनिटाइजर बांटें और किसी भी तरह से भट्टे पर लापरवाही ना बरती जाए। अगर कहीं भट्टे पर कोई लापरवाही मिलती है या कोई भी कोरोना का केस मिलता है तो तुरंत भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते आज हम पहुँचे हैं महालक्ष्मी ब्रिक फील्ड पे और जो इसके भट्टा मालिक हैं प्रताप राणा जी हमारे साथ हैं। तो हम सर से जानेंगे किस तरह से डीएम सर के आदेश का पालन कर रहे हैं और क्या उन्होंने अपने मजदूरों को मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं या नहीं, बताइए। देखिए सर, सभी को हमने मास्क दिए हैं ताकि वो हमेशा अपने पास लगा के रखें उनको, और साथ के साथ सैनिटाइज़र प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो अपने आधे घंटे पौने घंटे के बीच बीच में अपने हाथ धोते रहें, एक दूसरे से अगर संपर्क में आते हैं तो भी उसका ध्यान रखें। दूसरा, सामान की जो व्यवस्था है वो हमारे ही लड़के चले जाते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेके हर 15वें दिन, और जिसका जो सामान होता है उसकी पर्ची लेके चले जाते हैं और उसको लाके दे देते हैं। हाँ जी, राशन का सामान होता है, हम डेली यहाँ से किसी को नहीं भेजते हैं। 15 दिन में एक बार भाई जिसको भी सामान चाहिए वो अपना 15 दिन का कम से कम मंगा ले ताकि बार बार जाना ना पड़े और संपर्क में ना आए किसी के भी कोई भी। हाँ जी, बात बाजार में जाते हैं मजदूर तो वहाँ पर इनके कोरोना के लक्षण आ सकते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, इसी दहशत भी है ये लोगों के अंदर। और जी जी जी, और ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग बाहर ना जाएं, हमें किसी से मेल जोल ना करना पड़े, और भट्टे पर भी जो है बाहर के व्यक्ति का आना बंद है भाई, कोई नहीं आएगा जब तक ये चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद रिश्तेदार या कोई भी है वो आ जा सकता है, पर अभी कोई नहीं। कोशिश है जी कि पूरे उतरें इस बात पर। हाँ जी बिल्कुल जी, मुनीमों का यही काम है भाई, देखते रहो अपना जो है कोई भी लापरवाही में चलता है तो उसे सख्ती से कहा जाए। हाँ जी, ज़्यादा ही डिस्टेंस है, दो दो से भी ज़्यादा ही है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पसार भी हमारे बहुत दूर दूर होते हैं, तो जो एक साथ मजदूर काम करते थे उन्हें भी भाई दूरी बना के रखो और अपना उसी हिसाब से अपना काम करो। जी हाँ जी, पूरी सख्ताई से है जी, क्योंकि इससे देखिए इस आदेश में बचाव हमारा भी है, ऐसा नहीं। बिल्कुल जी, हम ठीक तो सब ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा जो प्रताप राणा जी हैं भट्टा मालिक, उनका बयान आ चुका है, उनका साफ कहना है कि जो राशन की व्यवस्था है हर 15 दिन में मजदूरों को कह दिया गया है कि जिसको भी राशन मंगाना है कम से कम 15 दिन का राशन मंगा लीजिए और भट्टे से ही उनको राशन मिल जाता है। इसके अलावा सैनिटाइजर बांट दिए हैं, मास्क बांट दिए हैं, दो दो मीटर तीन तीन मीटर की दूरी पर यहाँ पर सभी मजदूर काम कर रहे हैं। हमने भी देखा यहाँ पर कोई भीड़ नहीं लगी हुई, सभी मजदूर दूर दूर काम कर रहे हैं, सभी के चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको दिखाऊंगा, आप सामने देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हुए काफ़ी लोग और पीछे भी खड़े हैं मजदूर हैं या मुंशी जी हैं शायद, उनके चेहरे पर भी मास्क हैं। तो यहाँ पर इस तरह की किसी धांधलेबाजी या लापरवाही महालक्ष्मी ब्रिक फील्ड पर आपको नहीं मिलेगी और लगातार डीएम सर का आदेश जो है सख्ती से पालन यहाँ पर हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयसन 7 न्यूज़, मैं हूं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के सभी भट्टों पर जाके जो डीएम सर का आदेश आया है कि सभी भट्टा मालिक अपने मजदूरों को मास्क बांटें, सैनिटाइजर बांटें और दो दो मीटर की दूरी पर उनसे काम लें, किसी भी तरह से भट्टे पर कोई लापरवाही ना बरती जाए। अगर कहीं किसी भट्टे पर कोई भी लापरवाही मिलती है या कोई भी कोरोना का संक्रमण का मरीज मिलता है, मजदूर मिलता है, तो भट्टा मालिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते आज हम पहुँचे हैं ताज ब्रिक फील्ड पर और जो इसके भट्टा मालिक हैं हाजी अनवार जी हमारे साथ हैं। तो हम सर से जानेंगे किस तरह से उन्होंने अपने यहाँ पर मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं और किस तरह से डीएम सर का आदेश का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। हेलो, हाँ जी, सब लेबर को हमने मास्क बांट रखे हैं और कोई परेशानी नहीं, खाने पीने का सब व्यवस्था है इनकी, भट्टे से ही कर रहे हैं जी, बाहर से ला के दे रहे हैं इनसे बाजार से और यहाँ से इनको राशन हम दे रहे हैं। नहीं, ये जो और लोकल लेबर है यहाँ तो बस ये जलाई जलाई वाले हैं और यही रहते हैं, इनकी सब व्यवस्था कर दी है यहाँ, खाने पीने का सामान सब यहीं ला के दे रहे हैं। हर आदेश का
हर हर घंटे आधे घंटे के बाद में हाथ धुलवाए जा रहे हैं कि साबुन वगैरह से पूरी सख्ताई बस डीएम का पालन पूरी सख्ताई से पालन हो रहा है। नहीं 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 कोई लापरवाही नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा, और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सब मजदूर स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा है, कोई उन्हें परेशानी नहीं, खाने पीने का भी उनके, हाँ मेडिकल का भी उनका पूरा ध्यान है। तो यहाँ पे आपने देखा जो भट्टा मालिक है हाजी अनवार जी, उनका बयान आ चुका है कि जो उनका भट्टा है ताज ब्रिक फील्ड, उस पर मास्क उन्होंने बांट दिए हैं, सैनिटाइजर बांट दिए हैं, हर आधे घंटे बाद उनके हैंड वॉश कराए जा रहे हैं, और खाने की व्यवस्था भट्टे से ही कर दी है, राशन पीछे रखा हुआ भी है, हमने देखा है वहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखा दीजिए, राशन जो मजदूरों का है वो यहीं पर भट्टे पर ही रखा है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार के सख्त आदेश हैं कि भट्टे का मजदूर भट्टे से बाहर राशन लेने के लिए बाजार में ना जाए। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अपने कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दिखाए, अंदर जाकर दिखाए, ये देखिए, ये राशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और सारा कट्टे हैं आटे के, दाल मसाले आलू आप देख सकते हैं सामने जी, ये आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सारा राशन जो है यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था हाजी अनवार जो भट्टा मालिक हैं, हाँ, उनकी ओर से की गई है, तो एक सराहनीय कदम इन्होंने उठाया है, और यही अगर हर भट्टा मालिक इस तरह से अपने मजदूरों की देखरेख करे, उनका ध्यान रखे, तो शायद मजदूरों को दिक्कत नहीं होगी, ना ही उनके अंदर कोई कोरोना का लक्षण मिलेगा। मैं कैमरामैन दीपक के साथ अजीत सिंह, आई एस एन 7 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई एस एन 7 न्यूज़, मैं हूं अजीत सिंह, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बागपत मेरठ मुजफ्फरनगर के सभी भट्टों पर जाके, जो डीएम सर का आदेश आया है कि सभी भट्टा मालिक अपने मजदूरों को मास्क बांटें, सैनिटाइजर बांटें, और किसी भी तरह से भट्टे पर कोई लापरवाही ना बरती जाए, सभी मजदूरों को दो दो मीटर दूर पर काम लिया जाए उनसे, और उनको आधे घंटे बाद उनके हैंड वॉश कराए जाएं। अगर कहीं भी कोई लापरवाही मिलती है या कोई मजदूर कोरोना से संक्रमित मिलता है तो भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं किसान ब्रिक फील्ड पे, और जो भट्टा मालिक हैं रणवीर सिंह जी हैं, और हमारे साथ यहाँ के मुंशी हैं कृष्ण पाल जी हैं, तो हम इनसे जानेंगे मुंशी जी से कि वो कैसे डीएम सर का आदेश अपने भट्टे पर मान रहे हैं, और किस तरह लगा रखा है, और यहाँ उन्होंने मास्क बांटे हैं नहीं बांटे। हाँ जी सर, हमने सब भट्टे पर अपने मजदूरों को मास्क बांट रखे हैं, सब बगल बगल रहते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं हमें। हाँ जी सब पालन हो रहा है जी। राशन जी हाँ भट्टे से मिल रहा है। ना ना जी नहीं, बाहर कोई नहीं जाता जी। ना ना हाँ पूरी शक्ति से पालन हो रहा है। मास्क बांटते हैं जी, हाथ तो अपने आप धो रहे, साबुन दे रखे जी इनको, साबुन दे सैनिटाइजर हाँ बांट रखे जी हमारे पास। हाँ पालन नहीं, लापरवाही कोई नहीं करते जी। तो यहाँ पे आपने देखा जो मुंशी हैं कृष्ण पाल, उनका बयान आ चुका है, उनका साफ कहना है भट्टे पर कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही, मजदूरों को मास्क बांट दिए हैं, सैनिटाइजर बांट दिए हैं, किसी तरह से कोई धांधलीबाजी नहीं है, और आपको बता दें सख्ती से डीएम सर का आदेश का पालन किया जाए। और मेरे पीछे देखिए मजदूर खड़ा है, उन्होंने भी अपना चेहरा यहाँ पर ढक रखा है, एक चादर अपने चेहरे पर लगा रखी है, तो ये सख्ती से पालन हो रहा है, और जो भी मजदूर हैं बाहर वहाँ पर काम कर रहे हैं सभी ने अपना चेहरा चादर बांध रखी है, किसी ने मास्क लगा रखा है, किसी ने रुमाल बांध रखा है, तो ऐसी बात नहीं है, डीएम सर के आदेश का पालन यहाँ पर सख्ती से किया जा रहा है। मैं कैमरामैन दीपक के साथ अजीत सिंह, आई एस एन 7। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई एस एन 7 न्यूज, में हूँ अजीत सिंह, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर मेरठ बागपत के सभी भट्टों पे जाके, जो डीएम सर का आदेश आया है कि सभी भट्टा मालिक अपने मजदूरों को मास्क बांटें, सैनिटाइजर बांटें, और किसी भी तरह से भट्टे पर लापरवाही ना बरती जाए। अगर किसी भट्टे पर जरा सी भी कोई लापरवाही मिलती है या भट्टे के मजदूरों को किसी कोरोना संक्रमण उसमें पाया जाता है तो भट्टा मालिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं अनुराग ब्रिक फील्ड पे, और जो इसके भट्टा मालिक हैं रामवीर सिंह जी हैं, और हमारे साथ मुंशी हैं राजकुमार मुंशी हैं, तो हम इन मुंशी जी से जानेंगे किस तरह से डीएम सर का आदेश यहाँ पर पालन किया जा रहा है, और यहाँ पर मजदूरों को मास्क बांटे गए हैं, सैनिटाइजर बांटे गए हैं, नहीं बांटे गए? हमने सभी मजदूरों को मास्क बांट दिए हैं और सैनिटाइजर बांट दिए हैं। सभी मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं वे
दो दो मीटर की दूरी पे काम कर रहे हैं, हर आधे घंटे बाद हम उनके हाथ धुलवाते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं, कोई मजदूर भट्टे से बाहर जा रहा हो? कोई भी मजदूर यहाँ से ना बाहर जाता है और ना ही बाहर से अंदर आता है भट्टे के। हमने भट्टा पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है जी। जो आधे घंटे बाद इनके हाथ धुलवाए जा रहे हैं जी, हाँ मजदूरों के, सभी के मजदूरों के। और इसके अलावा आपको बता दें, जो डीएम सर का आदेश सख्ती से पालन हो रहा है? पूरा पालन हो रहा है, कोई लापरवाही नहीं है। अगर कोई लापरवाही हो तो कोई भी अधिकारी आके जांच कर सकता है।